वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन्होंने व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया का चलाया, वहाँ पे बुरे काम हो रहे हैं वो, लेकिन वे भारतीयों ने भी दिखाया कि यूरोप के अंदर रोड के रोडों पे किस तरह लोग। यार मुझे बताए, यूरोप में क्या होता है, वो तो क्या हो रहा है, क्या ये चीजें नहीं होती, वो दिखाते नहीं, उनको मीडिया उनका कवर नहीं करता। हमारा मीडिया थोड़ा सा होता है, चीज को छाल देता है ना भाई। यार उधर दुनिया का हर काम होता है, लेकिन मीडिया बताता नहीं है। लेकिन भाई भारतीयों ने फिर वीडियो निकाल निकाल के इनको दिखाई कि देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात का, तुम्हारे यूरोप के अंदर जो रोडों पे लोग नंगे होके लेटे हुए हैं वो क्या, जो रोडों पे लोग हग रहे हैं वो भी दिखाया है। देखो यार तुम्हारे कि जो उनको उंगली करता है वो फिर उन्हें बताते हैं कि आपने किस मुल्क को उंगली की है। यू सॉफ्ट लैंडेड ऑन द मून, वी क्रैश्ड। What's wrong with India? Too many beautiful places to visit. What's wrong with India? Oh my god, too many desserts. I love jalebi. लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन मुमालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। हाँ वो यार ये देख, लोग सड़कों पे लेटे हुए कोई। On the way here, which was like 4 days ago, I left my wallet on the train. Thank you. Thank you. Where was it? देखिए इंडिया की ग्रोथ तो पहले ही कितना हो रही है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। हर चीज में उनकी जो है वो जिस तरीके से ऊपर जा रही है, वो ग्रोथ सबको नजर आ रही है। इसका मतलब है कि आप जेलस हो रहे हैं इंडिया से, लेकिन इंडिया ने सबको मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी तरक्की से अपना लोगों पूरी दुनिया में मंगाया। और आज अमरीकी क्या कह रहे हैं, अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था, और हम समझ रहे हैं बैन किया जाना चाहिए। सारा इन्वेस्टर इंडिया चला गया। तो इंडिया के पास अपनी एक मैन पावर है, उनकी इतनी बड़ी उनकी पॉपुलेशन ही उनकी सबसे बड़ी एक पावर इंडिया। And there's so much positive that happens here. Unbelievable. No, still on tape. I'm just happy to help out. Well, that's just, it's just amazing. हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया गेम उल्टी पड़ गई। सोशल मीडिया पर आए दिन ग्रुपों के बीच जंग देखने को मिलती है, ऐसी एक जंग फिर देखने को मिली, लेकिन इस बार मुकाबला सोशल मीडिया के भारतीय और विदेशी यूजर्स के बीच हुआ। इसकी शुरुआत विदेशी सोशल मीडिया यूजर्स ने की, लेकिन बाद में जब भारत के सोशल मीडिया वॉरियर्स इसमें कूदे तो उन्होंने विदेशी यूजर्स को उनकी असलियत दिखा दी। शुरुआत तो विदेशी यूजर्स ने की, लेकिन इसका अंत भारतीयों ने किया। एक प्रोपेगेंडा के तहत व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। बस फिर क्या था, भारतीयों ने इस नेगेटिव ट्रेंड को पॉजिटिविटी में बदल दिया। भारत के खिलाफ चलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स मैदान में कूद गए, तमाम पश्चिमी देशों को हकीकत दिखाना शुरू कर दी। भारत सोशल मीडिया यूजर्स ने भी दावा किया कि व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया कीवर्ड्स को एक्स कंपनी जानबूझकर ट्रेंड करवा रही है। उन्होंने इस ट्रेंड के जरिए विदेशियों को उनकी औकात दिखा दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से एक ट्रेंड चलाया गया, ये जाहिर करने की कोशिश की गई कुछ मुमालिक की जानिब से कि तमाम बुरी चीजें इंडिया के अंदर हो रही हैं, इंडिया के लोग अनएजुकेटेड हैं और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। लेकिन तब इस ट्रेंड का पासा ही बदल गया जब इंडिया ने इन मुमालिक के इस ट्रेंड को इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसी ट्रेंड पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिसको अब एक्स कहा जाता है, उस पर जो एंटी इंडिया कैंपेन चल रही है, इंडिया को डिफेम करने की जो कोशिश की जा रही है, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया के नाम से इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इंडिया के खिलाफ, इंडिया कुछ नेगेटिव वीडियोस को प्रमोट कर रही है, ये बताने के लिए, दिखाने के लिए कि इंडिया में कितनी नेगेटिव हैपनिंग्स होती हैं। आपने यकीनन ये ट्रेंड देखा होगा, इस हवाले से एज अ पाकिस्तानी आपका क्या कहना है?
पाकिस्तानी होने के नाते हमारा ये तो नहीं है कि अगर इंडिया के खिलाफ कुछ हो रहा है तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्रीज ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐसी कंपेन्स लॉन्च करते रहते हैं। इनके अपने एक पैरामीटर्स हैं। अब देखा जाए तो यूरोप कौन सा कोई, अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से देखा जाए तो कोई एक तगड़ा मुल्क, मतलब एक रीजन नहीं है, उनमें भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं। उनके अपने ज्यादा एक ट्रेंड्स हैं या एक समझ लें कि उनके पैरामीटर्स हैं जो वो अपने अंदाज से देखते हैं, और इधर हमारा रीजन बिल्कुल एक डिफरेंट है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके अपने एक कल्चर है, इनकी अपनी रवायात है, तो ये अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से देखते हैं। सर, ये बताने की, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो है वो बड़ा अनएजुकेटेड कंट्रीज है, वहाँ पर जो है खवातीन के रेप होते हैं, ये जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया में कितनी जो है वो नेगेटिव चीजें हो रही है। इस हवाले से क्या कहेंगे अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, जो भी है दुश्मनी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है हर पाकिस्तान इसको सराहता है। बेशक, और ये देखें कि इंडिया में तो मसाइल हैं, पाकिस्तान में भी हैं, और ये है कि हाईलाइट होने की बात है। अब अमेरिका में सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं लेकिन उधर रिपोर्ट नहीं होते। इंडिया में अगर कोई क्राइम्स हैं, अगर वुमेन का रेप हो रहा है या कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं तो उनको ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, तो फिर उसका हवा बनाकर पेश किया जाता है। ओ तेरी है यार, भारतीय तो भाई साहब, मैं कहता हूँ यार भारतीय से उंगली मत करो, लेकिन भारतीय से उंगली करो क्या वो तो मैं डंडा देंगे। वो देखो यार, ओ भाई, उन्होंने व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया का चलाया कि वहाँ पे बुरा काम हो रहे हैं वो, लेकिन वे भारतीयों ने भी दिखाया कि यूरोप के अंदर रोडों पे किस तरह लोग। यार मुझे बताया यूरोप में क्या होता है, वो तो क्या हो रहा है, क्या ये चीजें नहीं होती, वो दिखाते नहीं, उनको मीडिया उनका कवर नहीं करता। हमारा मीडिया थोड़ा सा होता है चीज को छाल देता है ना भाई। यार उधर दुनिया का हर काम होता है लेकिन मीडिया बताता नहीं है, लेकिन भाई भारतीयों ने फिर वीडियो निकाल निकाल के इनको दिखाई कि देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात है, तुम्हारे यूरोप के अंदर जो रोडों पे लोग नंगे होके लेटे हुए हैं वो क्या, जो रोडों पे लोग हग रहे हैं वो भी दिखाया है। ये देखो यार, तुम्हारे तो तुम्हारे तो भाई साहब बड़े बड़े देशों में लेटरीने भी इधर उधर पब्लिक नहीं है कि भाई साहब तुम्हारे जो गरीब है वो हग सके, वो तो रोडों पे हग रहे हैं। तो यकीन कर, एक बंदा बोलता है मैं अमेरिका में होता हूँ, अमेरिका में भी गुरबत है, फुटपाथों पे पड़े होते हैं लोग, ना ये हाल इधर नहीं है, उधर भी है जो सबसे बड़े अमीर ताकतवर अपने देश बोलता है वो बताते नहीं है, बताते नहीं है। इस टाइम देखो भारत सबको सच्चाई बताता है, हमारे देश का नीति गुरबत है और भाई भारत निकाल रहा है बिल्कुल की निकाल दी 10 सालों में, तो गुर्बत अभी तो थोड़ी बहुत 1-2% निकाल देगा बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ आज जो भारतीयों ने इन यूरोपियंस को औकात दिखाई है ना, एकदम सही ये बात है ना, रोडों में पड़ गए सारे। सोचो अंग्रेजों ने देखी होंगी ये वीडियोस के बारे में। गाइस, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।